हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास टेंथ का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। तो आज हमारा तीसरा दिन है, उसका हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक समीकरण, जिसमें समीकरण को संतुलित करना भी सीखा। और आज हम लोग लेकर आए हैं, मैं आप लोगों ने लेकर आया हूँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे पहला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन अभिक्रिया नाम से यह स्पष्ट है, संयोग। क्या है? संयोग। समझिए, संयोग, संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या? मिलना। तो उसी तरह संयोजन, नहीं, संयोजन का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिलन, मिलना। और दो या दो से अधिक वस्तु मिलकर कोई नई वस्तु का निर्माण करते हैं, नहीं तो वही बात है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो मतलब क्या? वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। समझेंगे, जैसे आप देखिए, कोयला जो कार्बन का एक रूप, कार्बन, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए, कोयला क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है, आपस में मिल जाता है, संयोजित हो जाता है, एक दूसरे में समाहित हो जाता है, नहीं। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नहीं, जो कि इस दोनों के गुण से बिल्कुल अलग है, नहीं, ऑक्सीजन भी एक अलग गैस है, लेकिन दोनों के गुण से क्या है? ये बिल्कुल अलग है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या समझे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं, इस तरह देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? H2O। नहीं, इस हम ये करना होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया क्या बनाती है? H2O। तो कल आप लोग को हम बताए थे, पढ़ाए थे पिछले क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो बताइए, क्या यह समीकरण संतुलित है? मैं तो कहता हूं नहीं है, नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसको अभी संतुलित कर लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन की संख्या इधर एक, इधर दो, हाइड्रोजन को दो से गुणा किए, हो गया क्या? तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया? बराबर, नहीं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ कितना है? सिर्फ एक है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ एक है और यहाँ कितना है? दो है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर भी दो है, 2H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा? 2H2O, ठीक है, समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, इसमें क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, मतलब क्या होता है,
विभाजन अभिक्रिया अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना, किसी भी चीज का टूटना नहीं, डिकम्पोज मतलब जब कोई चीज टूटता है तो कहते हैं डिकम्पोज हो रहा है, नहीं अपघटित हो रहा है। तो वही है, क्या होता है जब कोई एक पदार्थ, जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वह वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। फिर समझेंगे कि जब कोई भी पदार्थ ताप या उष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। समझेंगे, देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक पदार्थ है, यौगिक है, ठीक है। ये क्या है? एक यौगिक है। ये क्या होता है? टूटता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटा किस पदार्थ में? दो पदार्थों में। किस किस में? एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की टूटने से दो नए पदार्थों का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए अगला है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में? विस्थापन अभिक्रिया होता क्या? विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से विस्थापन मतलब क्या? वी मतलब पुनः, ठीक है। मतलब कोई वस्तु यहां था, ठीक है। क्या है? कोई वस्तु यहां पे था, यहां पे था। कोई वस्तु अगर यहां है, ठीक है, और कोई वस्तु यहां है, ठीक। ये क्या करता है? ये वस्तु यहां जाकर के इसको अपने जगह से यहां भेज देता है, ठीक है। और मान लीजिए इसका नाम समझते हैं। एक वस्तु है ए, दूसरा है बी, ठीक है। ये रहता है सी नाम के जगह पर, ये रहता है डी नाम के जगह पर, और ये है ये ए क्या करेगा? बी को कहां भेज देगा? ई के पास। और ये खुद क्या करेगा? यहां पर करके स्थापित हो जाएगा, रहने लगेगा। यही क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। नहीं समझे तो फिर से समझिए इसको। क्या है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ, फिर समझिए कि जब कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से दूर हटाकर मतलब विस्थापित कर, मतलब मैंने कहा कि देख लीजिए डी के पास रहता था बी, ये क्या किया? ए क्या किया? बी को डी से दूर कर दिया। ए क्या किया? बी को डी से दूर कर दिया और खुद क्या किया? उसके जगह पर जाकर के रहने लगा, ठीक है। उसी तरह कोई भी तत्व क्या करता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए एक उदाहरण को समझते हैं। जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक की पट्टी पर लाल भूरा परत जमा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग जिंक सल्फेट बनने के कारण रंगहीन हो जाता है। मतलब समझिए कि जिंक धातु क्या उसका एक पट्टी है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, ठीक। तो क्या हुआ? जिंक की पट्टी पर जिंक का जो पट्टी था उस पर लाल भूरा रंग का परत जम गया और कॉपर सल्फेट जो खुद गहरा नीला रंग का होता है वो जिंक सल्फेट बनने के कारण क्या हो गया? उसका अपना रंग क्या हुआ? खत्म हो गया और वो रंगहीन हो जाता है। मतलब उसका अपना गुण क्या था? नीला रंग का था, लेकिन ये जिंक के आने के कारण उसका अपना रंग क्या हुआ? खो दिया। नहीं, उसका रंग क्या हुआ? विस्थापित कर दिया, ठीक है। समझिए इसे, अभिक्रिया देखते हैं क्या हो गया। जिंक सल्फेट नहीं तो किससे अभिक्रिया किया है? जेड एन जिंक धातु की पट्टी कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 ये बनाया क्या?
जिंक सल्फेट तो क्या हो गया जेड एन एस ओ फोर प्लस जिंक लाल भर पर जाना है और कॉपर सल्फेट ग्रहण जल उससे क्या बन गया सी यू एस सॉरी सी यू। देखिए जेड एन एस ओ फोर राइट, तो क्या हुआ ये जिंक एक पट्टी है, ये क्या किया सल्फेट से अभिक्रिया कर लिया, किससे मतलब सल्फेट तो CuSO4 नहीं कॉपर सल्फेट, ये एक यौगिक था, ये क्या किया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर का किया विस्थापित कर दिया और कॉपर के जगह पर क्या किया जिंक जाकर के बैठ गया, कॉपर को बाहर कर दिया। आप देख रहे हैं कॉपर क्या किया विस्थापित कर दिया और कॉपर के जगह पर जिंक क्या हो गया जाकर के बैठ गया नहीं, और वहां पर क्या किया कॉपर जो एक नीले रंग का था उसको रंगहीन कर दिया और उसके जगह पर क्या किया खुद आ गया। ये गाना है ना, ये कैसी घड़ी आ गई अपने ही घर में बेगाने हम, नहीं ये गाना मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन सुना हूं मैं भी क्या कहता है कि अपने ही घर में बेगाने हम नहीं, तो वही बात है जैसे कविता भी है भारत माता ग्राम वासिनी उसमें भी एक लाइन है, तो उसी तरह की बात है कि देखिए ये कॉपर सल्फेट जो पहले से एक यौगिक था उसमें क्या किया मैंने कहा ना कि विस्थापन अभिक्रिया से कोई भी तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, ये जिंक क्या किया यहां आया कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया और उसका जगह खुद ले लिया नहीं, और एक नया यौगिक बनाया क्या जिंक सल्फेट, क्या बनाया जिंक सल्फेट। ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया में जो है उसे सिर्फ एक ही तत्व का विस्थापन होता है इसलिए इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है इसमें क्या होता है समझेंगे गौर से। डबल देखिए विस्थापन का मतलब मैंने पहले ही कहा आपको क्या होता है कि भाई उसकी जगह से उसको हटा देता है, इसमें वही बात होती है लेकिन ये क्या है द्विविस्थापन। मैं से कह सकते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड ये सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, तो क्या देखिए ये टूटा Na जो कि धनायन होता है, क्लोरीन ऋणायन होता है, सिल्वर धनायन होता है, नाइट्रेट ऋणायन होता सॉरी धनायन होता है। ठीक है ये क्या है ठीक है क्या हुआ Na प्लस तो इसमें क्या करता है सिल्वर और क्लोरीन मिलकर क्या करता है अवक्षेप का निर्माण करता है AgCl क्या करता है जो कि एक धनायन है ये ऋणायन है दोनों मिलकर क्या किया एक अवक्षेप का निर्माण करता है। ठीक है और ये Na और NO3 मतलब सोडियम और नाइट्रेट ये सोडियम नाइट्रेट जो है उस घोल में रह जाता है। ठीक है सोडियम नाइट्रेट क्या होता है घोल में रह जाता है और ये AgCl क्या होता है हमको अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक है देखिए दोस्तों फिर समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को, इधर कह सकते हैं जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर दो नए यौगिकों का निर्माण करता क्या करता है दो नए यौगिकों का निर्माण करता है तब उसे हम क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अब क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया,
ठीक। देखिए अवक्षेपण आसान भाषा में समझ सकते हैं, ये भी जो है एक द्विविय स्थापना अभिक्रिया का ही भाग है। क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर समझेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो हम क्या प्राप्त होता है? हमने कहा था कि द्विविय स्थापना अभिक्रिया में क्या हुआ, देखिए Na2 क्या किया, Ba क्या किया, Na2 को विस्थापित कर दिया, ठीक है, और उसके जगह खुद चला गया, और Na क्या किया, Ba के जगह पर चला गया, ठीक है। तो ये BaSO4 हम लोग सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, और दूसरा क्या बन गया, ये NaCl जो क्या हुआ, घोल में ही रह जाता है। तो एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है, हम तो आप लोग बताइए ये समीकरण संतुलित है या नहीं, आप लोग पढ़ाए थे भाई, ये समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पे सोडियम की संख्या 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1, मतलब अभिकारक में सोडियम की संख्या कितनी, 2, उत्पाद में कितना, 1, नहीं है बराबर, अभिकारक में क्लोरीन की संख्या 2, उत्पाद में 1, बराबर नहीं है। लेकिन देखिए अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो क्या होगा, 2Na मतलब 2 सोडियम हो गया और क्लोरीन भी 2, बराबर हो गया नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षारक के बीच में होती है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षारक के बीच होती है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग जानते हैं अम्ल और क्षारक के मिलने से क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। तो जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के बीच होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे आप देखिए HCl ये एक अम्ल है, NaOH ये क्षारक है, ये दोनों के मिलने से क्या बना, NaCl प्लस H2O, मतलब अम्ल और क्षारक के मिलने से क्या बना, लवण, और क्या प्राप्त हुआ, जल। फिर समझेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षारक के बीच होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि देखिए अगर हमारा वीडियो, हमारी लेक्चर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसके लिए दोस्तों मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो मेरा अच्छा लगेगा, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे। और जी हाँ, अगर आपको इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने समीकरण संतुलन सिखाया था, आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक है चाहे वो SF का हो, भारतीय भवन का हो, NCERT हो, आलोक हो, कोई भी हो, आप उसको संतुलित कीजिए, बनाइए। अगर आपको उसमें समस्या होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, 91025 आप हमसे इस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको तुरंत उस कार्य को पूरा करके आपके पास भेज दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसका एक बड़ा सा नेटवर्क बनाइए, एक बड़ी लंबी जाल बनाइए ताकि सिर्फ आप नहीं बहुत सारे लोग घर बैठे फ्री में पढ़ाई कर सके। अभी जो है दोस्तों सभी के इतना पैसा नहीं है कि बड़े शहर जाकर पढ़ सके, तो क्यों ना घर बैठे बैठे पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, हमारे वीडियो को आप देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू।